ज्योतिरादित्य सिंधिया बनेंगे एमपी के सीएम, क्या जैन मुनि की भविष्यवाणी होगी सच? मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री पद और नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार है। चुनाव परिणाम के बाद सियासी गलियारे को लेकर सभी के जुबान पर सीएम के नामों को लेकर चर्चाएं हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक जैन मुनि की भविष्यवाणी खूब वायरल हो रही है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी की है। क्या जैन मुनि की वाणी सच होगी, इसे लेकर प्रदेश सहित पूरे देश में चर्चा गर्म है। जैन मुनि ऋषि विहर्ष सागर महाराज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बीते साल ग्वालियर के फूलबाग में आयोजित जैन मुनि समागम में भविष्यवाणी की थी। एमपी गंगा सीएम ज्योतिरादित्य सिंधिया का बनना लगभग तय बताया गया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में बात कही थी। सीएम फेस की लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी शामिल है। हालांकि सिंधिया ने खुद को हमेशा सीएम रेस से दूर रहने का बयान दिया। उन्होंने कई इंटरव्यू में अपने आप को मुख्यमंत्री पद की दौड़ से बाहर बताया।